हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की हमारी फिल्म है द ड्रीमर्स। तो कहानी शुरू होती है और हमें मैथ्यू नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। वो एक अमेरिकन होता है जो कि पेरिस में फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए आया होता है। कहानी में 1968 का टाइम दिखाया गया जब पूरे फ्रांस में स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ। एक दिन कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तब मैथ्यू पहली बार इजाबेल से मिलता है। इजाबेल कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ देखा है, तुम यहीं पर अकेले घूमते रहते हो, तुम किसी से बात तक नहीं करते। तब मैथ्यू इजाबेल को बताता है कि मैं एक अमेरिका से आया हूँ और अभी मैं यहाँ पे आया और किसी को भी नहीं जानता और ना ही कोई मेरा दोस्त है। ये बात इजाबेल मैथ्यू को अपने भाई थियो से इंट्रोड्यूस करवाती है। इजाबेल और थियो दोनों ट्विंस होते हैं। तीनों को मूवीज देखना बहुत ज्यादा पसंद होता है और अब ये तीनों वहाँ बैठकर मूवीज के बारे में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर पुलिस प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज कर देती है और सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि घर वापस जाते समय इन तीनों में और भी बातें होती हैं और इनकी दोस्ती गहरी होती चली जाती है। मैथ्यू बहुत ज्यादा खुश होता है कि इसने फाइनली दो फ्रेंड बना लिए हैं। इसके नेक्स्ट मॉर्निंग थियो मैथ्यू को कॉल करता है और अपने घर डिनर के लिए इन्वाइट करता है। वो उनका घर देखकर सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद मैथ्यू उनकी मोम से मिलता है। उनकी मोम मैथ्यू से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद इजाबेल मैथ्यू को अपने डैड से मिलवाती है। इजाबेल के डैड एक बहुत बड़े फेमस फ्रेंच ऑथर होते हैं और अब डिनर टेबल पर इजाबेल के फादर अपना ज्ञान पेल रहे होते हैं, लेकिन मैथ्यू उनकी तरफ कुछ खास ध्यान नहीं देता जिससे कि इजाबेल के फादर नाराज हो जाते हैं। लेकिन मैथ्यू भी बड़ा होशियार होता है और जैसे तैसे सिचुएशन को संभाल लेता है और इजाबेल के फादर को इम्प्रेस भी कर देता है। थियो से इम्प्रेस होकर इजाबेल के फादर एक ही बात कहते हैं कि काश थियो भी तुम्हारे जैसा ही होता। दरअसल थियो और उसके फादर में कभी भी बनती नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग इनके पेरेंट्स यहाँ से एक महीने के लिए चले जाते हैं अपने ट्रिप के लिए और वो इजाबेल को उनके खर्चे के लिए एक चेक काट कर भी देते हैं। इसके बाद ये दोनों मैथ्यू को यहीं पर रुकने के लिए कहते हैं और थियो मैथ्यू को उसका रूम भी दिखाता है। आधी रात में मैथ्यू वॉशरूम जाने के लिए उठता है। वो अपने रूम में लौटते समय थियो के कमरे का दरवाजा खुला हुआ दिखता है और वो जैसे ही अंदर की तरफ देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि थियो और इजाबेल दोनों ही नेकेड बिना कपड़ों के सो रहे होते हैं। भाई बहन को इस हालत में देखकर उसकी फटके चार हो जाती है। इसके बाद वो अपने कमरे में आकर दोबारा से सो जाता है। सुबह थियो और उसके मोम डैड अपने ट्रिप पर चले जाते हैं। इसके बाद इजाबेल मैथ्यू को उठाने के लिए जाती है। इजाबेल को देखकर वो शर्मा जाता है क्योंकि उस समय बस वो अपने अंडरवेयर में ही होता है। इसके बाद जब मैथ्यू ब्रश करने के लिए जा रहा होता है तब इजाबेल उसके लिप्स को टच करने लगती है क्योंकि उसके लिप्स बहुत ज्यादा रेड होते हैं और उस पर लिपस्टिक लगाने की कोशिश करती है। ये सब देखकर मैथ्यू यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। थियो यहाँ पर सबके सामने कपड़े उतार कर नहाने लगता है और मैथ्यू को यहीं पर रुकने के लिए कहता है कि जब तक हमारे पेरेंट्स वापस ना आ जाए। मैथ्यू कहता है कि तुम बस मुझे दो दिन पहले ही मिले हो, तुम मुझे भी ठीक से जानते तक नहीं। इस पर थियो कहता है कि तुम्हें ठीक से जानने के लिए ही तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कह रहे हैं। इस पर मैथ्यू इजाबेल से पूछता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजाबेल कहती है कि ये मेरा ही आइडिया था। इसके बाद दिखाया जाता है कि मैथ्यू अब इन दोनों के साथ यहीं पर रहना शुरू कर देता है। एक दिन मैथ्यू और थियो के बीच कीटोन और चार्ली चैपलिन को लेकर बहस चल रही होती है, तब इजाबेल इन दोनों को शांत करने के लिए इन्हें एक एक्ट प्ले करके दिखाती है। ये गेम थियो और इजाबेल अक्सर खेला करते थे जिसमें किसी पुरानी फिल्म के सीन को एक्ट करके दिखाते थे और सामने वाले को उस फिल्म का नाम बताना होता था और अगर सामने वाला जवाब नहीं दे पाता था तो उसे एक डेयर करना होता था। इजाबेल जिस फिल्म का एक्ट कर रही होती है वो एक बहुत पुरानी फिल्म होती है, लेकिन मैथ्यू फिर भी उस फिल्म का नाम बता देता है जिससे ये दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि काफी समय से हम तुम्हारे जैसे किसी फ्रेंड को ढूंढ रहे थे। दरअसल ये दोनों एक डेयर को पूरा करना चाहते हैं। एक बहुत ही पुरानी फिल्म का एक बड़ा ही फेमस सीन है जिसे अपनी रियल लाइफ में कॉपी करना चाहते हैं, जिसमें तीन दोस्त आर्ट गैलरी से भाग रहे होते हैं। ये उस सीन को अपनी रियल लाइफ के अंदर कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन मैथ्यू उसके लिए मना कर देता है और कहता है कि अगर कहीं मैं पकड़ा गया तो ये मुझे डिपोर्ट कर देंगे, लेकिन बाद में मैथ्यू उस काम के लिए मान जाता है। इसके बाद अब ये तीनों आर्ट गैलरी में रेस लगाते हैं और उनके पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ देते हैं। इसके बाद जब ये तीनों अपने घर वापस लौट रहे होते हैं तो बहुत तेज से बारिश शुरू हो जाती है और ये तीनों पूरी तरह से भीग जाते हैं। थियो मैथ्यू को अपने कुछ कपड़े पहनने के लिए देता है और उसके सामने ही अपने कपड़े बदलने लगता है, जिसे देखकर मैथ्यू को थोड़ा सा ऑकवर्ड महसूस होता है। इसके बाद इजाबेल वहाँ आती है और उनके सामने गेम खेलने लगती है। वो उसे एक सीन एक्ट करके दिखाती है, लेकिन थियो उस फिल्म का नाम नहीं बता पाता। इजाबेल उसे एक डेयर देती है जिसमें उसे एक फोटो को देखकर सबके सामने मास्टरबेशन करना होता है। थियो बिना कुछ कहे इस काम को करने में लग जाता है। मैथ्यू को ये सब चीजें देखकर बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है। इसके बाद थियो मैथ्यू को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है। वहाँ मैथ्यू थियो को बोलता है कि ये तुम्हारा क्या चल रहा है, मैं तो कभी अपनी बहनों के आगे मास्टरबेशन नहीं कर सकता, तुम चाहते तो मना कर सकते थे। इस पर थियो कहता है कि हम दोनों ट्विंस हैं और जन्म के समय हम एक साथ जुड़े हुए पैदा हुए थे। हम दोनों की बॉडी अलग है पर दिमाग सेम है और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते।
फिर एक दिन थियो इन दोनों को एक एक्ट करके दिखाता है और ये दोनों उस मूवी का नाम नहीं बता पाते, तो थियो भी इन्हें एक डेयर देता है और कहता है कि तुम दोनों को मेरे सामने सेक्स करना होगा। इजाबेल मान जाती है और अपने कपड़ों को उतारने लगती है, लेकिन मैथ्यू मना कर देता है और कहता है कि मैंने तुम दोनों को न्यूड सोते हुए देखा था। तब थियो कहता है क्या तुम हमारे ऊपर नजर रख रहे थे। लेकिन जब एलिजाबेथ उसकी पैंट उतारती है तो उसकी पैंट में इजाबेल की फोटो होती है, जिसके बाद वो इजाबेल के साथ सेक्स करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब ये दोनों थियो के सामने इंटीमेट होते हैं तो थियो बगल में कुकिंग करने लगता है। और इस समय हमें पता चलता है कि इजाबेल एक वर्जन थी। इसका मतलब ये था कि थियो और इजाबेल बस एक साथ सोते थे और इसके आगे वो कुछ भी नहीं करते थे। इसके बाद मैथ्यू इजाबेल से पूछता है कि अगर तुम्हारे और थियो के बारे में तुम्हारे पेरेंट्स को कभी पता चल जाए तो तुम क्या करोगी। तब इजाबेल कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा और बाय चांस कभी अगर ऐसा हो गया तो वो सुसाइड कर लेगी। इसका मतलब ये होता है कि इजाबेल नहीं चाहती कि समाज और सोसाइटी के आगे थियो और उसकी बात का पता चले, क्योंकि भाई और बहन को ये समाज कभी भी इस हाल में देखना नहीं पसंद करेगा। इसके बाद कुछ खाने के लिए मैथ्यू किचन में जाता है। इसी दौरान थियो आकर इजाबेल के पास लेट जाता है। तब मैथ्यू थियो को शुक्रिया करता है क्योंकि वो भी अपने आप को थियो और इजाबेल का एक हिस्सा मानने लगता है। लेकिन थियो यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता है और उसे कहता है कि इजाबेल और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता और तुम सिर्फ एक केवल अच्छे दोस्त हो और कुछ भी नहीं, और तुम एक दोस्त ही रहोगे। इसके कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और जो कि इनके पेरेंट्स इनको देकर गए थे। इसके बाद थियो डस्टबिन में से केला उठाकर लाता है जिसे तीनों बराबर आपस में बांट के खाते हैं। एक दिन ये तीनों एक साथ काम कर रहे होते हैं जब थियो और मैथ्यू के बीच में बहस शुरू हो जाती है। थियो कहता है कि अमेरिकन वियतनामीज पर वार कर रहे हैं, वो लोग किसान और छोटे बच्चों को मार रहे हैं, उनके खेत खलियान सबको जला रहे हैं, इसलिए वो सारे अमेरिकन को ब्लेम करता है। तब मैथ्यू कहता है कि हमारे प्रेसिडेंट हमें फोर्स करते हैं वॉर में जाने के लिए और अगर वो ऐसा ना करे तो उन्हें जेल में भेज देते हैं। मैथ्यू वॉयलेंस में विश्वास नहीं करता, उसे लगता है किसी भी प्रोटेस्ट को शांति से होना चाहिए और एक सिस्टमैटिकली ढंग से होना चाहिए। इजाबेल अब इन दोनों के बीच में आकर बैठ जाती है और उनकी बहस को रोक देती है। इसके बाद इजाबेल मैथ्यू से कहती है क्या तुम हम दोनों से प्यार करते हो और इस बात का प्रूफ दे सकते हो। मैथ्यू कहता है कि तुम्हें इस बात का क्या प्रूफ चाहिए। तब ये दोनों मिलकर मैथ्यू के प्यूबिक हेयर काटने लगते हैं। मैथ्यू इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम दोनों बस अपने शरीर से बड़े हुए हो, दिमाग अभी भी तुम्हारा बच्चों जैसा ही है। तुम दोनों एक साथ सोते हो, एक साथ नहाते हो, ठीक जैसे बच्चे करते हैं। ये तुम दोनों के लिए एक गेम है, बट ऐसे तुम दोनों कभी भी मैच्योर नहीं हो सकते। मैथ्यू इजाबेल को कहता है क्या तुम कभी किसी लड़के के साथ डेट पे गई हो। वो कहती है नहीं, थियो के अलावा वो कभी भी किसी दूसरे लड़के के साथ बाहर नहीं गई होती। मैथ्यू उसे डेट पर इनवाइट करता है और ये दोनों डेट के लिए जाते हैं और जो कि काफी सक्सेसफुल भी साबित होती है। इसके बाद जब ये दोनों घर वापस आते हैं तो ये देखते हैं कि थियो एक दूसरी लड़की के साथ अपने कमरे में होता है और वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं, जिसे देखकर इजाबेल परेशान हो जाती है और वो जेलिस फील करती है। वो मैथ्यू को अपने पास से दूर जाने के लिए कहती है और इसके बाद इजाबेल थियो और मैथ्यू से काफी दिनों तक बात भी नहीं करती। इसके कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि थियो और मैथ्यू में दोबारा से बहस हो रही होती है। थियो रेवोल्यूशन पर भाषण दे रहा होता है। तब मैथ्यू कहता है कि तुम बस बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो और तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी जाकर खुद प्रोटेस्ट नहीं करते। मैथ्यू कहता है कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, रास्ते पर निकलना पड़ता है। इसके बाद इजाबेल वहां पर आकर इन दोनों को शांत कराती है और इन दोनों को एक टेंट में लेकर जाती है। ये दोनों जब छोटे थे तो इसी तरह का टेंट बनाकर उसी में सो जाया करते थे और अब ये तीनों उसी के अंदर सो जाते हैं। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग इनके पेरेंट्स वहां पर पहुंच जाते हैं और इन तीनों को उसी टेंट के अंदर नेकेड देखकर भौचक्के रह जाते हैं। वो शर्म के कारण इन्हें नहीं उठाते और उनके लिए एक चेक रखकर वहीं से चले जाते हैं। इसके कुछ टाइम बाद जब इजाबेल उठती है तो उसे वो चेक मिलता है। वो समझ जाती है कि उसके मॉम और डैड ने उसे देख लिया है और अब उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। वो अपने पेरेंट्स से दोबारा नजरें नहीं मिला पाएगी, ये सोचकर वो सुसाइड करने का सोचती है और एक गैस पाइप को लीक करके उनके पास आके दोबारा से लेट जाती है। लेकिन इसी समय नीचे प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं जो कि बहुत जल्दी दंगे में बदल जाते हैं। तभी एक पत्थर आके सीधे उनके घर में गिरता है। थियो और मैथ्यू उठ जाते हैं। मैथ्यू पूछता है कि ये स्मेल कैसी है। इजाबेल इस बात को घुमा देती है और कहती है कि ये टियर गैस है। अब ये तीनों उस रेवोल्यूशन में शामिल हो जाते हैं और वो भी पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। इनमें से कुछ लोग पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंकने का प्लान बना रहे होते हैं। थियो भी उनके साथ जाकर मिल जाता है। मैथ्यू थियो को किस करता है और उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन वो नहीं मानता। इजाबेल भी थियो के साथ चली जाती है लेकिन मैथ्यू इन सब चीजों का हिस्सा नहीं बनना चाहता क्योंकि वो वॉयलेंस में विश्वास नहीं करता था और वो भी वहां से चला जाता है। और अब आखिरी में दिखाया जाता है कि पुलिस भीड़ के ऊपर चार्ज करती है और हमारी फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। मूवी के एंड में जो रेवोल्यूशन दिखाया गया है दरअसल में थियो और इजाबेल का रेवोल्यूशन होता है। ये दोनों ट्विंस थे और जब ये दोनों पैदा हुए थे तो इनकी बॉडी आपस में जुड़ी हुई थी, इसलिए ये दोनों अपने आप को एक ही शरीर का हिस्सा समझते थे
इजाबेल अपने डैड से डरती थी, लेकिन जब अब उन्हें ही सब कुछ पता चल गया है तो उसे अब किसी भी बात का डर नहीं होता और वो इस समाज के खिलाफ जाकर थियो के साथ रहने का फैसला करती है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन कभी एक दूसरे को बता नहीं पाए थे, लेकिन जब कभी भी एक दूसरे को किसी और के साथ देखते थे तो जेलस फील करते थे। मैथ्यू इनका इस काम में साथ नहीं दे सकता था तो वो उनकी लाइफ से चला जाता है। दोस्तों मुझे नहीं पता कि इस फिल्म का डायरेक्टर और इस फिल्म का राइटर हमें क्या दिखाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसी किसी भी बात से कोई भी वाकता नहीं रखता। तो दोस्तों ये थी कहानी पूरी ड्रीमर्स फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक